नमस्कार दोस्तों, एजुकेशनल टॉक्स में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे एचएसएससी के एग्जाम्स में हरियाणा जीके से औद्योगिक संरचना के टॉपिक से पूछे जाने वाले बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। और दोस्तों, हर क्वेश्चन के लिए आपको 10 से 12 सेकंड का समय भी दिया जाएगा ताकि आप अपना आंसर अच्छे से नोट कर लें, जैसे पहले का ए, दूसरे का बी या फिर तीसरे का सी, और इनको बाद में मिलाएं अपने क्वेश्चन कितने सही हैं या गलत। तो इससे दोस्तों आपको अपनी तैयारी का भी पता लगेगा। तो चलिए दोस्तों, समय को न गंवाते हुए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, हरियाणा में कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध है? तो इसका सही आंसर होगा हरियाणा में ऑटोमोबाइल क्षेत्र बहुत प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हरियाणा किसके उत्पादन में प्रथम स्थान पर है? तो इसका सही आंसर होगा हरियाणा ट्रैक्टर के उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, गुरुग्राम में सबसे प्राचीन उद्योगों में किसका निर्माण हुआ था? तो इसका सही आंसर होगा गुरुग्राम में सबसे प्राचीन उद्योगों में कार का निर्माण हुआ है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मारुति सुजुकी का पहला कारखाना भारत में कहाँ लगाया गया था? तो इसका सही आंसर होगा मारुति सुजुकी का पहला कारखाना भारत में गुरुग्राम शहर में लगाया गया था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सूचना एवं प्रौद्योगिकी क्षेत्र की कंपनी IBM इंटरनेशनल बिजनेस मशीन ने हरियाणा के किस जिले में अपना एक सर्विस सेंटर स्थापित किया है? तो इसका सही आंसर होगा यह सर्विस सेंटर हरियाणा के गुरुग्राम जिले में स्थापित किया गया है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से हरियाणा का कौन सा बोर्ड खाद्य उद्योगों के लिए विकास में सहायता करता है? तो इसका सही आंसर होगा हरियाणा खाद्य एवं ग्रामीण उद्योग बोर्ड खाद्य उद्योगों के विकास में सहायता करता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हरियाणा खाद्य एवं ग्रामीण उद्योग बोर्ड की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो इसका सही आंसर होगा हरियाणा खाद्य एवं ग्रामीण उद्योग की बोर्ड की स्थापना वर्ष 1969 को की गई थी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बिल्ड पेपर मिल एशिया की सबसे बड़ी पेपर मिल है, यह हरियाणा में कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर होगा यह पेपर मिल हरियाणा के यमुनानगर जिले में स्थित है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हरियाणा के किस जिले में सरस्वती शुगर मिल स्थित है? तो इसका सही आंसर होगा हरियाणा के यमुनानगर जिले में सरस्वती शुगर मिल स्थित है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हरियाणा का कौन सा शहर टेक्सटाइल, कपड़ा और कारपेट के लिए प्रसिद्ध है, जिसे बुनकरों का शहर भी कहा जाता है? तो इसका सही आंसर होगा हरियाणा के पानीपत जिले को बुनकरों का शहर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हरियाणा के किस स्थान पर वर्ष 1993 में नेस्ले इंडिया की उत्पादन इकाई स्थापित की गई थी? तो इसका सही आंसर होगा हरियाणा के समालखा नामक स्थान पर वर्ष 1993 में नेस्ले इंडिया की उत्पादन इकाई स्थापित की गई थी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वैज्ञानिक उपकरणों के अत्यधिक उत्पादन के कारण कौन सा शहर साइंस सिटी के नाम से भी जाना जाता है? तो इसका सही आंसर होगा निम्न में से अंबाला शहर साइंस सिटी के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सोनीपत शहर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका सही आंसर होगा सोनीपत शहर साइकिल उद्योग के लिए प्रसिद्ध है।
अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हरियाणा के किस जिले में एटलस साइकिल उद्योग स्थित है? तो इसका सही आंसर होगा हरियाणा के सोनीपत जिले में एटलस साइकिल उद्योग स्थित है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसे गोल्डन सिटी स्वर्ण नगरी के नाम से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर होगा निम्नलिखित में से सोनीपत को स्वर्ण नगरी गोल्डन सिटी के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हरियाणा के खनिज बंगूर के रूप में किसे जाना जाता है? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों, हरियाणा के खनिज बंगूर के रूप में महेंद्रगढ़ जिले को जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हरियाणा का रेवाड़ी जिला भारत में निम्न में से किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका सही आंसर होगा हरियाणा का रेवाड़ी जिला निम्न में से उपरोक्त सभी के लिए प्रसिद्ध है, पीतल के बर्तन के उद्योग के लिए, तिल्ला जूता उद्योग के लिए, हीरो होंडा मोटरसाइकिल उद्योग के लिए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, चीनी उद्योग किस स्थान पर अत्यधिक प्रसिद्ध है? तो इसका सही आंसर होगा चीनी उद्योग साबा नामक स्थान पर अत्यधिक प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हरियाणा में लिबर्टी जूते कहां पर बनते हैं? तो इसका सही आंसर होगा हरियाणा में लिबर्टी जूते करनाल जिले में बनते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हरियाणा में लोहे के पाइप का सर्वाधिक निर्माण कहां होता है? तो इसका सही आंसर होगा हरियाणा में लोहे के पाइप का सर्वाधिक निर्माण हिसार जिले में होता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पंचकुला किसके लिए प्रसिद्ध है? तो इसका सही आंसर होगा पंचकुला इलेक्ट्रॉनिक के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हरियाणा के किस स्थान पर सैनिटरी उद्योग विकसित हुआ है? तो इसका सही आंसर होगा हरियाणा के बहादुरगढ़ नामक स्थान पर सैनिटरी उद्योग विकसित हुआ है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हिंदुस्तान मशीन टूल्स HMT किस नगर में स्थित है? तो इसका सही आंसर होगा हिंदुस्तान मशीन टूल्स पिंजौर में स्थित है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, फरीदाबाद में कौन सी फैक्ट्री अवस्थित है? तो इसका सही आंसर होगा फरीदाबाद में उपरोक्त सभी फैक्ट्रियां अवस्थित हैं, रबर टायर की, ट्रैक्टर की, रेफ्रिजरेटर की। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जेम्स एंड ज्वेलरी पार्क हरियाणा में कहां पर अवस्थित है? तो इसका सही आंसर होगा यह है करनाल जिले में स्थित है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, लेदर गारमेंट्स पार्क हरियाणा में कहां पर अवस्थित है? तो इसका सही आंसर होगा लेदर गारमेंट्स पार्क हरियाणा में बहादुरगढ़ नामक स्थान पर अवस्थित है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हरियाणा में नई औद्योगिक नीति कब घोषित की गई थी? तो इसका सही आंसर होगा हरियाणा में नई औद्योगिक नीति 1 जनवरी 2011 को घोषित की गई थी। तो दोस्तों, ये थे कुछ औद्योगिक संरचना से रिलेटेड क्वेश्चन। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन का बटन जरूर दबाइए ताकि आगे हमारी आने वाली वीडियो आपको इसी तरह मिलती रहें। तो चलिए दोस्तों, आगे मिलते हैं नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।